अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। जी, मैं आमिर हैदराबाद से फिर आप सबसे मुखातिब हूँ। और एक बार अभी देखिए, एक ऑडियो कुछ वायरल हो रहा है ग्रुप्स के अंदर। कोई एक मोहतरमा है, उनको जुमा 8 दिन हुआ आके अभी ग्रुप्स के अंदर, और ये शायद अपने आप को मशहूर करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे पता नहीं। तो मैं वो मोहतरमा को बता देना चाह रहा हूँ, जितने जो भी आप बात कर रहे हैं पूरे जो है बदगुमानी है उसके अंदर। हो सकता है मीटिंग हुई होगी, मगर आप जो बात कर रहे हैं ना कि इनको पैसा मिलेगा और ये पैसा लेके चुप होने वाले हैं, इनके बहुत सारे काम हैं, ये सरासर बदगुमानी है ये आपकी। देखिए, आपको किसी बात का नॉलेज नहीं है तो बात नहीं करना चाहिए, अगर इल्म हो तो बात करें, अच्छा लगता विद प्रूफ। ये विदाउट प्रूफ आप जो बात कर रहे हैं वो बदगुमानी है ये। तो देखिए, बदगुमानी ना करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है ये कबीरा बदगुमानी करना। हाँ, आपने और आपा के भाई ने ये उम्मीद दी है हम सबको कि इंशाल्लाह जनवरी से काम होगा और इंशाल्लाह होगा हकीकत में। देखिए, अपन मोमिन है ना, मोमिन होने के नाते जहाँ पे सच्चाई होती है उधर ही सब्र होता है, ठीक है। तो हम कंपनी के साथ शुरू से इसलिए जुड़े कि यहाँ पे सच्चाई है, इसलिए हम आवाज़ निकाले कि यहाँ पे सच्चाई है। जो झूठे थे, जो झूठ बात करे, वो तो भाग गए, है ना, वो तो भाग गए, उनकी चेहरा भी नहीं है। तो जहाँ पे सच्चाई होती है वहाँ पर ही जो है सब्र किया जाता है। आप एक आध बार सब्र करके देखिए और जो अल्लाह ताला के अहकामात है उस पर अमल करके देखिए, आपको दुनिया और आखिरत में इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा। आप ऐसा मत करिए, जो लोग अल्लाह के अहकामात पे अमल कर रहे हैं ना, उनको रोकने की काम मत करिए आप, उनके बीच में फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश मत करिए आप। मैं समझता था आप एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान तो है, मगर पढ़े लिखे दुनिया की पढ़ाई लेके फ़ायदा नहीं है, दुनिया के डिग्री अपन हासिल करके कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए, जब हम स्कूल जाते थे ना तो हमारा बैग पीछे रहता था, तो ये इस बात की दलील है जो दुनिया की तालीम है वो पीछे रहने वाली है, और जब हम अरबी जाते थे कुरान शरीफ लेते थे वो सामने रहती थी, तो ये इस बात की दलील है ये कि हमेशा साथ रहने वाली है, ये इल्म हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो देखिए, लोगों में बदगुमानी मत फैलाइए प्लीज़। अगर आपको गुस्सा आता है तो मेहरबानी करके सब्र करिए और ग्रुपों में बदगुमानी मत फैलाइए, फितना मत पैदा करिए, है ना। जो लोग अल्लाह के अहकामात पे अमल कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, उनको बहकाने की कोशिश मत करिए। इसमें कई सारे लोग बीपी के पेशेंट हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, अगर आप ऐसी बदगुमानी फैलाते रहेंगे, कोई भी अपनी बात जो है दिल पे ले लेंगा और खुदा ना खास्ता उनको उनकी जान से या उनको कुछ माल से नुकसान हो गया उनका, तो कौन उसकी भरपाई करेगा। कोई बीमार हो जाएगा, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसका माल से नुकसान हो जाएगा, और कोई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसकी ज़िम्मेदारी कौन, आपके ऊपर ही आएगी इसकी जिम्मेदारी। क्योंकि आपने जो यही बात बताई है, आपकी बात सुन के लोग दिल पे ले लिए हैं और उनको अटैक हो गया। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे, आप इल्म को हासिल करिए, वो इल्म हासिल करिए जो अल्लाह के नाम से कहा जाता है, जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है, जिसमें अल्लाह के अहकामात हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का इल्म सिखाता है हमको। हमको वो इल्म चाहिए, दुनिया का इल्म लेके हमको फ़ायदा नहीं है, दुनिया का इल्म दुनिया में छोड़ के जाना है। और ये इसके साथ पॉलिटिक्स खेलना, उसके साथ पॉलिटिक्स खेलना, ये मुसलमान का काम नहीं है भाई। मुसलमान हमेशा खजूर के झाड़ की तरह रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो कि हमेशा सीधा रहता है ना। तो हमको भी सीधा ही रहना है, हमेशा टेढ़ा नहीं बनना है, क्योंकि हमको दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फिक्र है। दुनिया क्या है, आज है कल नहीं है, पल पल का भरोसा नहीं है, कभी भी हम जा सकते हैं, कभी भी हमारा बुलावा आ सकता है ना। तो लिहाजा हमको आखिरत की फिक्र है, और जहाँ पे सच्चाई होती है वहीं पर हम सब्र करते हैं। शुरू से हम सब्र करें, कंपनी के साथ थे, कंपनी के साथ है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी जो है हम कंपनी के साथ रहेंगे। अब आपकी ये बदगुमानी, लोगों को पैसा मिल गया और भी इनको पैसा मिलेगा, तो आप इस चीज़ का प्रूफ लेकर आओ, अगर आप अपनी बात में सच्चे हो तो, अगर आप अपनी बात में सच्चे हो तो इस बात का प्रूफ लेकर आओ आप, वरना इल्म हासिल करो आप पहले, है ना, पहले इल्म हासिल करो, ताकि जो है आपको दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो, आप तक्वा परस्त बन सकें।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।